हाय दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हर बार एक ऐसी वीडियो दूंगा जो वीडियो आपके ट्रेडिंग के करियर को नेक्स्ट लेवल दे सकती है फ्रेंड, तो आज मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी देने जा रहा हूं कि जिस स्ट्रेटेजी में दिन में एक ट्रेड आपको मिलेगी लेकिन आपके टोटल इक्विटी का 2% का प्रॉफिट डेली कमा सकते हैं। यस फ्रेंड, मैं आपको गलत नहीं कह रहा, ये ट्रेड जो मैं आपको स्ट्रेटेजी देने जा रहा हूं ये डेली आपके टोटल इक्विटी का 2% आपको डेली प्रॉफिट देने का वादा रखती है और इसकी एक्यूरेसी जो है वो 90% से ज्यादा है। तो बिल्कुल समय व्यर्थ नहीं करते हुए हम ये देखेंगे कि ये स्ट्रेटेजी कैसे काम करती है और इन स्ट्रेटेजी के लिए हमें किन इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। तो फ्रेंड, आज की जो हमारी स्ट्रेटेजी है इसे हम वी वैप स्ट्रेटेजी कहते हैं, यानी कि हमें इसके अंदर वी वैप इंडिकेटर का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्ट्रेटेजी काम तो हर जगह करेगी, चाहे फिर आप स्टॉक्स में काम करें, इंडेक्सेस में करें, कमोडिटीज में करें, क्रिप्टोस में करें, हर मार्केट में, हर ट्रेडिंग मार्केट में ये काम करती है। लेकिन इसके कुछ नियम हैं। रूल नंबर 1 आपको नोट कर लेना है कि आपका जो चार्ट होगा वो 5 या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको काम करना है। यस, ओनली 5 या 15 मिनट का टाइम फ्रेम। पॉइंट नंबर 2, इसके अंदर जो इंडिकेटर लगेगा वो इंडिकेटर लगेगा हमारा VWAP। VWAP हम टाइप करेंगे यहां पे VWAP, तो हमारे सामने एक नाम आ जाएगा, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। ये वाला इंडिकेटर है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। आप जब इसे इंस्टॉल करोगे तो आपके चार्ट पर आपके कैंडलस्टिक के साथ कुछ इस तरीके से एक इंडिकेटर लग जाएगा। तो ये जो आप इंडिकेटर देख रहे हो ये वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस इंडिकेटर है। इसके साथ एक इंडिकेटर आपको और लगाना है और हम सभी जानते हैं वो इंडिकेटर है RSI, यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, और ये आपके चार्ट में नीचे लग गया, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इसकी जो सेटिंग है वो बाय डिफॉल्ट 70-30 की होगी RSI की, उसे वैसे ही रखना है। VWAP की जो सेटिंग है बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग है उसे वैसा ही रखना है, आपको सेटिंग चेंज नहीं करना करेगा। बस ध्यान क्या रखना है कि जब मार्केट क्लोज होता है वहां से VWAP का काम शुरू होगा और जहां मार्केट ओपन होगा तो ओपन होने के बाद दिन में एक ट्रेड अच्छी मिली। अगर यहां बात करूं तो VWAP के तीनों लाइंस यहां पे कनेक्टेड है, यानी कि मार्केट यहां पे क्लोज हो गया था तो जब ये मार्केट ओपन हुआ इसी पॉइंट पे तो हमें VWAP इंडिकेटर की जो सेंटर लाइन है यानी कि ब्लू कलर वाली लाइन है, मैं थोड़ा अगर आपको जूम करके दिखाऊं तो ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये सेंटर लाइन है। तो हमें ये देखना है कि कैंडल सेंटर लाइन से या तो नीचे क्लोज हो या सेंटर लाइन से ऊपर क्लोज हो और उसी समय हमारा ध्यान जाना चाहिए ये जो RSI इंडिकेटर की ब्लू लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये ब्लू लाइन 50 की जो लाइन होती है यानी कि इस RSI की जो सेंटर लाइन है 50 की लेवल जो है इसे भी क्रॉसओवर करनी चाहिए। मैं थोड़ा आसान कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, अब आप मेरे यहां पे देखिएगा इस पॉइंट पे, आप इस पॉइंट पे देखिएगा फ्रेंड कि मार्केट ने जब नीचे से ऊपर की तरफ 50 की लाइन को यहां पे क्रॉस किया इस पॉइंट पे, तो उस वक्त यहां पे अगर थोड़ा सा आगे देखें तो ये ग्रीन वाली जो कैंडल थी ये कैंडल क्लोज हो रही थी। जब 50 की लाइन नीचे से ऊपर क्रॉस हुई तो ये ग्रीन कैंडल सेंटर लाइन से ऊपर जाकर क्रॉस हो गई, तो यहां पे इस पॉइंट पे यहां बनेगी हमारी ट्रेड बाय की। तो हम यहां पे जाएंगे बाय की ट्रेड लेने के लिए और वो बाय की ट्रेड ये वाला जो हमारा कैंडल था यहां पे हम बाय की ट्रेड लेंगे। तो अब ये ट्रेड लेने के लिए हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो प्रीवियस लो होगा और 1:2 की ये ट्रेड हमें देगा फ्रेंड। और आप ऊपर देख सकते हैं कि मार्केट ने जितना हमने स्टॉप लॉस लिया उसके हिसाब से 1:2 की ट्रेड हमें, आप यहां देखोगे, टारगेट हिट करके दिया। तो ये एक दिन का कंफर्म ट्रेड है। अब दिन में आप इसको ट्राई नहीं करना क्योंकि मेरा 3 साल का बैक टेस्टेड है मार्केट खुलने के बाद। तो मार्केट खुलने के बाद जब पहली बार मार्केट नीचे से ऊपर क्रॉस हुआ तो वहां पे कैंडल क्लोज होने के बाद हमने बाय लगाया, स्टॉप लॉस हमारा प्रीवियस लो था, 1:1 या 1:2 का टारगेट आप ले सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाऊंगा और एक दिन पहले का मार्केट में आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि यहां पे ट्रेड कैसे बनी थी। आप यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पे मार्केट ओपन हुआ तो जब ये मार्केट ओपन हुआ तो आपका पहला ध्यान होना चाहिए RSI की लाइन पे। अब ये RSI की लाइन ने 50 को कहीं भी क्रॉस किया नहीं, हाँ यहां पे आके ये 50 को टच करके ऊपर की तरफ निकल गई ये लाइन यहां पे, यानी कि ये जो ग्रीन कैंडल इसके ऊपर जाकर क्लोज हो रही है यहां पे, इस ग्रीन कैंडल के यहां पे हमारी ट्रेड बनती है। बनती क्या है? बाय की ट्रेड। अगेन हम जाएंगे यहां पे, हम बाय की ट्रेड लगाएंगे और ये जब क्रॉस हुआ था तो ये वाला ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ था ऊपर, यहां पे फ्रेंड हमें बाय की ट्रेड लेनी है। हमारा स्टॉप लॉस
प्रीवियस लो होगा, ये हमारा स्टॉप लॉस है, और 1:1 या 1:2 का आप टारगेट ले सकते हैं। और आपने देखो एंट्री की, मार्केट ने टारगेट हिट किया, स्टॉप लॉस हिट नहीं किया। एक एग्जांपल और दिखा देता हूं पीछे जाके, और ये केवल मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पे नहीं दिखा रहा, आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, इंडाइसेस, करेंसीज, कमोडिटीज, क्रिप्टो कहीं भी लगा के देख लो, जब मार्केट ओपन होगा वहां से आपकी नजर होनी चाहिए आरएसआई की 50 लाइन पे और वीवैप की सेंटर लाइन पे। अब अगेन मैं देखूं तो मार्केट यहां पे ओपन हुआ था और उसके बाद मुझे क्रॉसओवर जो दिखाई दे रहा है ये ऊपर से नीचे की तरफ यहां दिखाई दिया, यानी कि ये वाली जो रेड कैंडल है जो आप देख रहे हो ये सेंटर लाइन के नीचे क्लोज हो गई, तो यहां पे मेरी सेलिंग की ट्रेड बनेगी। तो अब मैं जाऊंगा शॉर्ट ट्रेड लेनी है मुझे, और वो मैंने देखा था आरएसआई यहां क्रॉस हुई थी, यानी कि ये कैंडल पे मैंने अपनी सेलिंग की ट्रेड लगानी है कुछ इस तरीके से। और आप देख रहे हो हमने मार्केट में एंट्री की, कैंडल क्लोज होने के बाद हमारा टीपी हिट हुआ लेकिन स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। तो फ्रेंड ये एक वीवैप स्ट्रेटजी है जो कंफर्म आपको 2% टोटल इक्विटी का देगा, बस आपको दो चीजों का ध्यान रखना है, टाइम फ्रेम 5 मिनट, 15 मिनट, पर 15 मिनट ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा। नंबर 2 वीवैप इंडिकेटर लगाओ, नंबर 3 आरएसआई लगाओ। आरएसआई की जब सेंटर वाली लाइन को आरएसआई 50 को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस करे तो उस वक्त कैंडल का वीवैप के सेंटर लाइन के नीचे क्लोज होना जरूरी है, और ठीक वाइस वर्सा जब आरएसआई नीचे से ऊपर की तरफ 50 के लाइन को क्रॉस करे तो कैंडल का सेंटर लाइन से ऊपर क्लोज होना जरूरी है। और जहां भी ये दोनों एक साथ मिल जाएंगे फ्रेंड आप बाय और सेल की ट्रेड लगाओ, स्टॉप लॉस जरूर लगाना फ्रेंड क्योंकि ये स्ट्रेटजी है, एनालिसिस नहीं है। स्टॉप प्लस प्रीवियस लो या प्रीवियस हाई को रखो और 1:1, 1:1.5 और कई बार 1:2 का भी प्रॉफिट आपको कंफर्म मिलेगा। तो करके देखिए प्रॉफिट मिलता है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगला एक और बहुत खूबसूरत स्ट्रेटजी देने वाला, तो मिलते हैं फ्रेंड अगले वीडियो में। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर बनता है यार, मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, बनता है, कीजिएगा। थैंक यू सो मच।